चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेके हर पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लग चुकी है। तो वहीं चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार हरप्रीत कौर ने भी लोगों के घर जा जाकर लोगों से वोट मांगी। उनका कहना है कि उनके वार्ड से जीते जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं कराया, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगी। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं हरप्रीत कौर वार्ड नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रही हूँ। मेरा मुद्दा तो शुरू से यही रहा है कि जो नीड हमारे मुद्दे हैं ग्राउंड लेवल के उनके ऊपर ही है। अरे लोग तो वोट मांग रहे हैं कि हमने ब्रिज बनाया है, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। अरे कोई उनसे पूछे तो सही कि ये कोई MC के उसमें दायरे में आते हैं। MC के दायरे में तो वो आते हैं कि जैसे हमारी गलियां टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर करवानी है, उनको नया बनाना है, जैसे पाइपें चेंज करवानी है, गंदे पानी की प्रॉब्लम आ रही है हमें बहुत ज़्यादा। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है, जैसे मैं तो मानूँ तब ना अगर किसी MC ने जो अभी तक का यहाँ का पार्षद रहा है उसने 5 साल में कभी कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया हो हमारे वार्ड के लिए तो मैं खुश होती। अगर कोई संपर्क सेंटर बनाया होता तो मैं उसके लिए भी खुश होती, लेकिन वो तो उनके मुद्दे है ही नहीं जिनके ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं यहाँ के पार्षद की। वो तो कह रहे हैं जी हमने ब्रिज बना दिया जी उसके बेसिस पे हमें वोट दी जाए, स्पोर्ट्स क्लब बना दिए हैं उसके बेस पे हमें वोट दी जाए, ये थोड़े मुद्दे होते हैं जी। तो वो तो लोगों को एक भ्रम में रख रहे हैं कि उस बेस पे वोट डालो हमें। वो जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे ग्राउंड लेवल के उनके ऊपर तो बात ही नहीं करते। मकानों के NOC को लेकर बड़े आ रहे हैं यहाँ पर, बड़ी किस्ता हालत हो रखी है लोगों की, इनको बहाल कैसे करेंगे? अपने पुराने मकान है जिनको सर, किस तरह की समस्या आ रही है? उसकी जो समस्या है ना पुराने मकानों की बहाली का जो भी है उसकी हम जो प्रक्रिया है ना उसको सरल बनाना चाहते हैं हम। अगर हमारा हाथ MC में जाएगा, मैं यहाँ से पार्षद चुन के जाऊँगी ना, तो मैं आगे इसके बारे में बात कर सकती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर किया जाए ताकि हमारे लोगों को जो इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमने हल करना है। आपके मुख्य वादे क्या रहेंगे मैम 3 जो आप जीत के आते हैं? तो ये है ना कि जो हमारे नीड बेसिस चेंज का है हमारे उनको रेगुलाइज करवाना है, और बिजली की तारों के गुच्छे हैं जो उनको हमने अंडरग्राउंड करवाना है, और गंदे पानी की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है हमने उन पाइपों को भी चेंज करवाना है। माड़ी वाले टाउन या शांति नगर में आपने देखा ही होगा कि गलियों की कितनी बुरी हालत है, हमने उनको भी बनवाना है। सीवरेज का इतना बड़ा वहाँ पे मुद्दा है उसको भी हमने ठीक करवाना है। मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में और काफ़ी लंबे समय से जी वहीं पे रहते हैं, RWA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपने मुझे वहाँ की प्रॉब्लम से सारी गिना दी। मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के लोगों को सबसे मेन प्रॉब्लम तो गंदे पानी की है ना, तो वो पाइपें हम चेंज करवाएंगे। बस क्यू शेल्टर है जो आज तक नहीं बना, इतने सालों से नहीं बना, वो भी मेन है ना, वो भी करवाना है। और हमारे जो रास्ते चौड़े करने हैं उनकी भी प्रॉब्लम है, और जो हमारे नीड बेस्ड चेंजेस की जो मकानों की है उसको रेगुलाइज भी करवाना है, ये भी कॉम्प्लेक्स के। और एक हमने हम चाहते हैं कि हमारे पूरे वार्ड का एक नियर जो हो संपर्क सेंटर हो, ताकि जो बुजुर्ग हैं बिल भरवाने के लिए इतनी दूर जाते हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल सके ना, नज़दीक हो। पिछले 5 साल में मेरा पार्षद विकास के लिए उन्होंने अपनी 5 साल की जर्नी में क्या क्या काम कराए हैं? सर मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा काम है नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने ब्रिज बना लिए, हमने स्पोर्ट्स क्लब कम्प्लेक्स बना लिए, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो MC के दायरे में आता है उन्होंने कोई काम किया। बहुत बड़े अगर वो ये काम करते तो मुझे खुशी होती, और ये नहीं मैं कहती कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, यहाँ पे पार्टी का कोई मैटर नहीं है, हम तो जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ रहे हैं। जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या क्या काम कराएंगे? जो हमारे मैनिफेस्टो में है सबसे पहले तो मैं गंदे पानी की जो प्रॉब्लम है ना उसको सबसे पहले मेरा वो है कि मैं उसको। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।